हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा इशू की गई नई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। जिस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम पैटर्न है रिगार्डिंग 11th एंड 12th क्लास, जो नया सेशन आपका आने वाला है 2024 और 2025 का सेशन, उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है, उसमें कुछ भारी भरकम बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम उन चेंजेस को समझेंगे, पर उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, दैट व्हाट इज एजुकेशन। क्या है एजुकेशन? क्या एजुकेशन सिर्फ चीजों को, किताबों को रटकर याद करके एग्जाम में उलट देना ही एजुकेशन है, या फिर नए नए स्किल्स को सीखना, नई नई नॉलेज को एक्वायर करना और उस नॉलेज की एप्लीकेशन को अपनी जिंदगी के अंदर लागू कर पाना एजुकेशन है? जी हाँ, मैं जानता हूं कि आप सेकेंड डेफिनेशन के साथ ज्यादा रूबरू हो पाए होंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था, जिस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल इवेल्युएशन, एथिकल वैल्यूज, इंडियन ओल्ड एजुकेशनल सिस्टम्स, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट इंडिया में फिर से लागू करना चाहती थी और बच्चों को स्किल ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना चाहती थी। उसी के मद्देनजर सीबीएसई ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है जो एग्जाम पैटर्न 2024 और 25 के ऊपर लागू होगी। आइए देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस जो है वो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज चेंजेस फोकस ऑन असेसिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, डिस्करेजिंग रोट मेमोराइजेशन अमंग स्टूडेंट्स। द एग्जाम पैटर्न हैज बीन मॉडिफाइड टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी to apply concepts in real life scenarios aligning with the national education policy of 2020. It means ab ratta mar nahi chalega, ab aapko har ek concept ki conceptual knowledge develop karni hogi, uske around जो भी उसके अप्लाइड फॉर्म्स हैं उनको भी आपको समझना पड़ेगा, और जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उन चीजों को हम अपनी जिंदगी के अंदर कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको अपने 11th एंड 12th की जो भी स्टडी है उसको कैरी ऑन करना होगा, और एग्जाम पैटर्न भी इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और क्या चेंजेस आए हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर? सो मेजर चेंजेस इन सीबीएसई 11th एंड 12th एग्जाम पैटर्न इन्वॉल्व्स मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है जी, इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड लेस एम्फेसिस ऑन दी ट्रेडिशनल आंसर टाइप। जैसे कि पहले बड़े बड़े 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस आया करते थे, इसमें हम रटी रटाई चीजें जो थी वो जाकर पेपर के अंदर लिख दिया करते थे, अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कम कर दिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, जिसमें आपको सोचने की जरूरत पड़े कि किस प्रकार से इसका आंसर निकाला जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा होंगे एंड ट्रेडिशनल आंसर टाइप जो है वो थोड़े कम कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो मेजर चेंजेस है वो है, फर्स्ट 50% वेटेज फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि 50% के क्वेश्चंस जो होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रूबरू करवाएंगे और आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपके एप्टीट्यूड को चेक करने का काम करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी नॉलेज को रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो एक मेजर चेंज है, यानी कि हमको अलग तरीके से ही हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को कवर करना होगा और उनसे रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस को ही हमको सोल्व करना होगा हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर, हमारे एग्जाम्स के अंदर, ताकि सीबीएसई के 12th के बोर्ड के एग्जाम में हम अच्छा स्कोर अचीव कर पाए। इसके साथ साथ 20% वेटेज जो होगी, वेटेज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 20% सबसे ज्यादा कह लो कि जो चेंज मेजर है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, 20% जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एमर्ज करवाएंगे और इसके साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है उसको एनहांस करने का काम करेंगे। नेक्स्ट 30% वेटेज जो रहेगी वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस की रहेगी, यानी कि जो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते थे उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पहले 40% आया करते थे, अब यह सिर्फ 30% क्वेश्चंस ही आएंगे और ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इवेल्युएट किया जाएगा, आपकी क्रिटिसिस्टिक थिंकिंग को इवेल्युएट करने का काम किया जाएगा और टॉपिक जो भी आप पढ़ेंगे उस टॉपिक के इलेबोरेटिव आंसर्स आपको डिस्क्राइब करने होंगे, उनको अच्छे से मैप बेस्ड क्वेश्चंस को, या कह लीजिए डायग्राम के फॉर्म में, या किसी भी प्रकार की विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको इन आंसर्स को अटेम्प्ट करना होगा, जिसके तहत आप सीबीएसई के अंदर अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे। तो यानी कि
गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सभी क्वेश्चंस या उसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को धीरे धीरे हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करती जा रही है। हमारी एजुकेशन की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो फ्यूचर में काफ़ी चेंज हो जाने वाली है। पहले जिस प्रकार के बोर्ड के एग्जाम्स हुआ करते थे, उनसे धीरे 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 आगे बढ़कर अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, केस बेस्ड स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसका मतलब अब रट्टा मार काम नहीं होगा, अब आपको अपनी अप्लाइड नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और उसके लिए आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे से इस 12th या 11th के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें, इस प्रकार के क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या फिर प्लस वन और प्लस टू के बाद आप CUET के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सिनर्जी IAS और सिनर्जी CUET एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के बॉटम पर आपको हमारी एकेडमी का जो एड्रेस है और फोन नंबर है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको इस एग्जाम पैटर्न या फिर 11th और 12th या CUET के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या आप किसी भी प्रकार की क्वेरी सोल्व करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है जी। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।